दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। गिरीश गौतम को कपिधर सिंह की जरूरत क्यों पड़ी? रीवा की राजनीति में काफी घमासान मचा हुआ है। भाजपा नेता आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के कद को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अपने ही दल के नेताओं की रणनीति में कुछ ऐसा उलझे कि उन्हें कांग्रेस नेता कपिधर सिंह के साथ मदद मांगने के लिए जाना पड़ा। फिर भी गिरीश गौतम को हार का सामना करना पड़ा। रीवा की राजनीति में भाजपा नेताओं की गुटबाजी चरम पर है। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह और गिरीश गौतम एक गुट के थे, मगर अचानक जिला पंचायत चुनाव के पहले गिरीश गौतम कांग्रेस नेता ताला हाउस के कपिधर सिंह से मिलने पहुंच गए। बस इस एक मुलाकात के बाद विधायक नागेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला एक हो गए। गिरीश गौतम को कपिधर सिंह का साथ मिला या नहीं, यह तो वही जाने। मगर गिरीश गौतम ने अपने पुराने साथी विधायक नागेंद्र सिंह का साथ खो दिया। कपिधर सिंह गुड़ विधानसभा से विधायक बनना चाहते हैं, वह दो बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, जबकि नागेंद्र सिंह गुड़ से ही विधायक हैं। गिरीश गौतम ने सिर्फ साथी ही नहीं खोया, बल्कि अपने परिवार का राजनीतिक करियर भी लगभग खो दिया है। जिला पंचायत के चुनाव में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पुत्र राहुल गौतम चुनाव हार गए हैं। यह खबर मीडिया में काफी सुर्खियों में थी। अब सवाल उठता है, गिरीश गौतम के पुत्र राहुल गौतम जिला पंचायत का चुनाव हार गए हैं, तो वहां से चुनाव जीता कौन है? गिरीश गौतम के सगे भतीजे की यहां से जीत हुई है। गिरीश गौतम के भतीजे को जिला पंचायत का चुनाव जिताने में जहां पूरी कांग्रेस पार्टी लगी हुई थी, वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला का खुला समर्थन प्राप्त था। बाद में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने भी खुला समर्थन देकर इस चुनावी लड़ाई को एकतरफा कर दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका काफी असर देखने को मिल सकता है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला की टिकट पक्की है। नागेंद्र सिंह उम्र के कारण आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। संभवतः उम्र के कारण ही गिरीश गौतम भी अगला चुनाव नहीं लड़े। ऐसे में नागेंद्र सिंह अपने भतीजे के लिए टिकट दिलाने के प्रयास में हैं। तो गिरीश गौतम अपने पुत्र राहुल गौतम के लिए लगे हुए हैं, मगर राहुल गौतम पर जिला पंचायत का चुनाव हारने का दाग क्या उन्हें विधानसभा टिकट लेने देगा, या पार्टी हारने वाले को टिकट देगी? यह काफी दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे। वैसे इस विषय पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।